ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मकर राशि वालों, हो जाओ तैयार, क्योंकि अब आपको भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से 17 दिसंबर से 31 दिसंबर यानी कि 15 दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरियों की प्राप्ति होने वाली है। या दोस्तों, इन 15 दिनों में धन लाभ के साथ साथ नौकरी प्राप्ति के भी योग हैं। या दोस्तों, इन 15 दिनों में आपको 5 अच्छी खबर मिलेंगी। आपको बता दें, भगवान शनिदेव की कृपा से आपके लिए 17 दिसंबर से 31 दिसंबर यानी कि 15 दिनों का समय बहुत ही अच्छा, बहुत ही भाग्यशाली समय साबित होने वाला है। या दोस्तों, इन 15 दिनों में भगवान शनिदेव आपकी राशि वालों के ऊपर सबसे अधिक मेहरबान रहने वाले हैं। आपकी समस्त इच्छाएं इन 15 दिनों में पूर्ण होने वाली हैं। या दोस्तों, इन 15 दिनों का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय साबित होगा। या दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके 17 दिसंबर से 31 दिसंबर यानी कि इन 15 दिनों के संपूर्ण और सटीक राशि फल के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को आप पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें। या दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें, कमेंट्स बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें, जिससे भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशि वालों के लिए भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से 17 दिसंबर से 31 दिसंबर यानी कि 15 दिनों का यह महत्वपूर्ण समय। दोस्तों, अब समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। वर्तमान में की गई मेहनत का पूरा फल अब आपको मिलेगा। साथ ही आप अपने अंदर अद्भुत आत्मविश्वास और आत्मबल महसूस करेंगे। शांति की चाह में किसी धार्मिक स्थल में भी समय जल्द ही व्यतीत होगा। मन में चल रही किसी दुविधा का भी समाधान मिलेगा। संतान द्वारा कोई शुभ समाचार मिलने से घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। धन प्राप्ति की दिशा में किए गए आपके सारे प्लान सफलता हासिल करेंगे। अब आप बेहतरीन तरीके से अपने कामकाजों को अंजाम देने में भी सफल रहेंगे। अपनी छुपी प्रतिभाओं को समझें और उनको सही दिशा में लगाएं। भाइयों के साथ किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सकारात्मक विचार विमर्श भी होगा। जल्द ही आपके लिए अप्रत्याशित लाभ की स्थिति बन रही है, इसलिए आप अपने आने वाले समय का सदुपयोग करें। लंबे समय से चले आ रहे किसी तनाव और चिंता से अब आपको राहत मिलेगी। धार्मिक स्थान में जाने का भी जल्द ही प्रोग्राम बनेगा। दोस्तों, आपके लिए यह समय बहुत ही लाभकारी है। अपने उद्देश्यों पर आप ध्यान केंद्रित रखें। दौड़ धूप की अधिकता रहेगी, परंतु कार्यों की सफलता आपकी थकान को भी दूर कर देगी। अनुभवी लोगों के साथ समय व्यतीत करने से कुछ बेहतर आपको सीखने को भी मिलेगा। अगर कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो उसे पूरा करने के लिए योजनाएं भी बनेंगी। सभी प्रकार के रिश्तों में सुधार आएगा और चारों तरफ से आपको खुशियां महसूस होंगी। घर के रख रखाव तथा साज सज्जा संबंधित कार्यों में भी समय व्यतीत होगा। साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय आप सावधानी बरतें। कोई नकारात्मक बात आपसी संबंधों को खराब कर सकती है। आलस की वजह से काम को कुछ टालने की भी प्रवृत्ति रहेगी। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई के प्रति ज्यादा एकाग्रचित रहें। कभी कभी आत्मविश्वास में कमी तथा आलस की वजह से बनते कामों में भी रुकावट आ सकती है। अपनी नकारात्मक कमियों को दूर करके आप बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों के साथ ज्यादा घूमने फिरने में भी समय व्यर्थ आप ना करें, समय का सदुपयोग करें। दोस्तों, साथ ही साथ कोई अप्रिय समाचार मिलने से मन व्यथित रहेगा। किसी भी महत्वपूर्ण वस्तु के चोरी होने या फिर गुम हो जाने का भी भय है। कई बार किसी मुद्दे पर ज्यादा सोच विचार करने की वजह से कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि भी आपके हाथ से निकल सकती है, थोड़ा सावधान रहें। शेयर सट्टा आदि में किसी प्रकार का आप निवेश ना करें।
तथा साथ ही साथ किसी अनजान व्यक्ति से वाद विवाद में भी आप ना पड़े। घर में मेहमानों के आगमन से कुछ महत्वपूर्ण काम भी रुक सकते हैं, इसलिए अपने कामकाज के प्रति सजग रहें। साथ ही साथ पुराने झगड़े दोबारा उभर सकते हैं। पढ़ाई कर रहे बच्चों में आलस रहेगा, खासकर पैसों के मामलों में किसी पर भी आप अधिक भरोसा ना करें। कोर्ट केस संबंधित मामलों में चर्चाएं भी हो सकती हैं, जिसमें आपको सफलताएं भी प्राप्त होंगी। कभी कभी आपकी शक करने की प्रवृत्ति आपके लिए परेशानी का कारण बन जाती है, इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बना कर रखें, आपके लिए हितकारी रहेगा। दोस्तों, बात करें आपके प्रेम जीवन की, तो पारिवारिक सदस्यों के साथ मनोरंजन तथा शॉपिंग में समय व्यतीत करने से आपसी संबंधों में और अधिक मधुरता आएगी। कामकाज के साथ साथ परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखना भी आपका दायित्व है। किसी गलत फहमी की वजह से घर में किसी सदस्यों के साथ मतभेद हो सकते हैं। पति पत्नी में आपसी सामंजस्य का भाव विद्यमान रहेगा। पारिवारिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना भी आपके लिए अति आवश्यक है। रिश्तेदारों से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलने से घर में उत्सव भरा माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में भी और नजदीकी आएंगी। पति पत्नी से संबंध मधुर रहेंगे। प्रेम संबंधों में अपने साथी के प्रति ईमानदार रहें। व्यवहारिक संबंध मधुर रहेंगे, परंतु मित्रों से अधिक मेल जोल रखना आपसी संबंधों में परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं आपके व्यवसायिक कैरियर की, तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से समय पूर्णता आपके पक्ष में है। आप किसी भी तरीके से अपने काम को निकलवाने में सक्षम रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को भी अपना काम कुशलता से पूरा करने पर सीनियर ऑफिसरों से सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। सहयोगियों और कर्मचारियों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। जिस कार्य को आप सहज और सरल समझ रहे थे, वे बहुत ही मुश्किल भरा होगा, इसलिए अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से एकाग्रचित रहने की आपको आवश्यकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी फाइल व दस्तावेज बहुत ही अधिक संभाल कर रखें। कार्य क्षेत्र में शांति प्रिय तरीके से काम संपन्न होते जाएंगे तथा अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन आप बखूबी करेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए भी किसी प्रकार का प्रयास ना करें, क्योंकि किसी प्रकार की मान हानि के भी योग बन रहे हैं। कुछ नए व्यवसायिक अनुबंध आपको प्राप्त होंगे। पेपर वर्क करते समय बहुत ही आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जरा सी भी लापरवाही नुकसानदायक साबित हो सकती है। इस समय कार्य की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर करना अति आवश्यक है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी तथा व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं बनेंगी और सफल भी होंगी। नौकरी में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेने से आपको राहत भी मिलेगी। कार्य क्षेत्र में धन प्राप्ति के लिए किए गए नए अनुबंध विकसित होंगे तथा नई योजनाएं बनेंगी। रुके हुए सभी कार्य भी आपके निपटेंगे। कोई नया काम शुरू करने से पहले अपने घर के अनुभवी व्यक्तियों की सलाह अवश्य लें, आपके लिए लाभकारी रहेगा। दोस्तों, बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कफ और खांसी की वजह से गले में और छाती में सूजन महसूस होगी। लापरवाही बिल्कुल भी आप ना करें और उचित इलाज लें। साथ ही साथ अत्यधिक काम की वजह से थकान व कमजोरी महसूस होगी। समय समय पर आराम भी लेना आपके लिए आवश्यक है। साथ ही साथ अपने खानपान पर भी आप विशेष रूप से ध्यान दें। तला हुआ भोजन आप ना करें, परहेज करें, सुपाच्य भोजन करें, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, व्यायाम करें, स्वस्थ रहें।